हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपके लिए ये वाली टोपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरह से बनाते हैं पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डालूँगी मैं इसको। फर्स्ट पार्ट में हम ये वाला बनाएंगे और सेकेंड पार्ट में बीच वाला बनाकर इसको जोड़ना बताएंगे, ठीक है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए, 19 फंदे से स्टार्ट किया था और 67 मैंने इसको इस तरह से उल्टा बनाया हुआ है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा उतारा, धागा अपनी साइड, एक दो, दो फंदा उल्टा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा अपने ओर, एक दो तीन चार उल्टा, धागा आगे, एक सीधा। अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे, धागा अपनी साइड, एक का दो करेंगे और यहाँ देखिए जाली लग गई, धागा अपने साइड, यहाँ पे भी जाली लग गई, देखिए दो जाली लग गई, धागा अपने साइड, एक दो तीन चार उल्टा, धागा आगे, एक सीधा, धागा अपनी ओर, एक दो उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड रो, पहला फंदा उतारा, अब देखिए जो फंदा उल्टा था उसको अभी सीधा बनाना है, एक दो फंदा सीधा, यहाँ पे हमने एक सीधा बनाया था, धागा अपनी ओर, एक उल्टा, धागा आगे, एक दो तीन चार सीधा, धागा अपनी ओर, ये देखिए जाली वाला, एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, सॉरी धागा आगे, एक दो तीन चार उल्टा, धागा अपनी ओर, एक सीधा, एक दो उल्टा, धागा अपनी ओर, एक सीधा। देखिए साइड में जो है ना, जो उल्टा है उसको उल्टा बनाना है और एक सीधा है उसको सीधा बनाना है, ठीक है? उल्टी साइड को। अब राइट साइड आए हम, एक फंदा उतारा, धागा अपनी ओर, एक दो उल्टा, धागा आगे, ये देखिए एक फंदा सीधा है। अब यहाँ पे इस तरह से बुनना है और इसको उतारना नहीं है, ठीक है? एक का तीन करेंगे, ये देखिए आगे का चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा आगे, एक दो सीधा बनाया, ये देखिए इसके ऊपर जाली लगेगी अब, ठीक है? जो सीधा जा रहा होगा उसी के साथ में जाली लगाना है, ठीक है? तब सीधे को जाली आएगी, धागा अपनी ओर, एक जाली लग गई, धागा अपनी ओर, दूसरी जाली लग गई, देखिए एक फंदा सीधा, आगे का जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाना है, एक दो तीन चार उल्टा, धागा आके, ये देखिए एक फंदा सीधा है, यहाँ पे एक का तीन करना है, इस तरह से बुनना है, उतारना नहीं है, फिर धागा अपनी साइड, एक का तीन, धागा अपनी ओर, एक दो उल्टा, धागा आगे, एक सीधा। नेक्स्ट रो जो उल्टी साइड को है, जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाना है और जो सीधा दिख रहा है सीधा बनाना है। और जो हमने एक का तीन किया था ना यहाँ पे, उसको जैसे सीधा बनाना है तो सीधा ही बनाना है, ठीक है? जैसे एक को बनाएंगे वैसे, जो यहाँ पे उल्टे हैं ना उसको उल्टा बनाना है, बाकी सीधा ही बनाना है, ठीक है? तो मैं कंप्लीट, ये देखिए नेक्स्ट रो। एक बात बता दूँ मैं आपको, फंदे सिर्फ यहाँ से ही बढ़ेंगे, बीच से जो साइड में बढ़ रहे हैं ना इसको हम बाद में घटाएंगे, ठीक है? राइट साइड आए हम, पहला फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा बुना, धागा आगे, ये देखिए पहले दो फंदे उल्टे बुन रहे थे, अब एक फंदा उल्टा बुना। अब ये जो देखिए एक का तीन क्या था ना, ये वाला जो है इसको इस तरह से उठाना है और इसको निकालना है पीछे की साइड से, ठीक है? इसको पीछे से आगे को लाना है और ये वाले फंदे को आगे से इस तरह से लाना है, ठीक है? पलटना है आपने आगे पीछे। इसको एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपने साइड, एक फंदा उल्टा, धागा आगे, एक फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पे भी सेम रिपीट करना है, इसको आगे से ले जाएंगे और इसको पीछे से लाएंगे, ये देखिए इस तरह से पीछे वाले जो फंदे हैं उसको निकालना है और आगे वाले फंदे को इस तरह से ले जाना है, ठीक है? तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, आगे का तीन फंदा उल्टा,
पे जाली है, यहाँ पे जाली लगाएंगे, बाकी फंदा सीधा बनाएंगे। ऐसे करके ना हमें पांच जाली निकालनी, ठीक है। पहले मैं ये रो कंप्लीट करती हूँ और उल्टी साइड को भी कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पे भी सेम ही रिपीट करना है जैसे यहाँ क्या था, आगे पीछे धागा करना है, ठीक है। देखिए राइट साइड है, उल्टा साइड को वैसे ही करना है जैसे जो फंदा उल्टा दिख रहा है उल्टा, और जो फंदा सीधा है। एक फंदा उतारा राइट साइड, एक फंदा उल्टा। अब देखिए ये जो टहनी जैसी बन रही है ना, अब यहाँ पे देखिए एक फंदा सीधा बनाया था, अब इसको एक का तीन करेंगे जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। एक फंदा उल्टा, धागा आगे, एक का तीन, धागा अपनी ओर, एक उल्टा। ये देखिए यहाँ पे भी एक का तीन करना है, आगे के फंदे जो उल्टे दिख रहे हैं उल्टे, और जहाँ पे जाली है वहाँ जाली डालनी है, बाकी जो फंदे सीधे दिख रहे हैं सीधे ही बनाने हैं। देखिए एक दो तीन जाली डल गई, चौथी जाली डल रही है हमारी। यहाँ पे एक जाली लग गई और यहाँ पे दूसरी जाली, ठीक है। आगे वैसे ही रिपीट करना है, उल्टे साइड को जो उल्टा दिख रहा है उल्टा, और जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा ही बनाएंगे, ठीक है। देखिए राइट साइड आ गए हम, एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पे एक का तीन क्या था, यहाँ पे क्या करना है, पहला फंदा जो है सीधा बनाना है, धागा अपने साइड, एक फंदा, यहाँ पे फंदा भी बढ़ गया और जाली भी लग गई, धागा अपनी ओर, एक का दो करेंगे, देखिए साथ साथ जाली भी लग गई, ठीक है। एक फंदा उल्टा, आगे भी एक फंदा सीधा, धागा अपने साइड, एक जाली, धागा अपने साइड, दूसरी जाली लग गई, ठीक है। धागा अपने साइड, एक फंदा उल्टा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक जाली यहाँ लग गई, धागा अपनी ओर, दूसरी जाली यहाँ लग गई। देखिए यहाँ पे साथ साथ फंदे भी बढ़ गए और जाली भी लग गई, ठीक है। बाद में हम इसको घटा लेंगे। फिर आगे का तीन फंदा उल्टा ही बनाना है, और आगे एक और जाली हम यहाँ लगाएंगे और पांच जाली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सीधी साइड को इसी तरह से यहाँ रिपीट करना है, उल्टा साइड को जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है, जो उल्टा है उसको उल्टा और जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा ही बनाना है, ठीक है। ये देखिए राइट साइड आ गए हम, पहला फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे देखिए जाली लगाई थी, अब क्या करना है, पहला जो फंदा है ना इस तरह से उठाना है और इस तरह से इसको पलटना है, ठीक है। और एक का दो करेंगे, ये देखिए छोटा सा पत्ती बनाएंगे हम बिल्कुल, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। एक फंदा सीधा, आगे देखिए दो फंदा है, दो को घटा के एक करेंगे, एक फंदा उल्टा, आगे भी इसी तरह से रिपीट करना है, इस तरह से पलटना है इसको, और एक का दो करेंगे, एक फंदा सीधा, और फंदे रह गए तीन फंदे, तीन फंदे यहाँ पे भी रह गए, ठीक है। अब आगे का तीन फंदा उल्टा बनना है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे, ठीक है, धागा अपनी ओर, यहाँ पे एक जाली डालेंगे, बाकी के फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए पहले हम यहाँ पे जाली डाल रहे थे ना, अब यहाँ पे जाली नहीं डालना है, देखिए पांच जाली कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर सीधा ही बनाना है, ये देखिए लास्ट के दो फंदे बच गए सीधे, यहाँ पे निकालना है हमने जाली यहाँ और यहाँ साइड में, ठीक है। धागा अपनी ओर, एक जाली यहाँ लग गई, धागा सीधा, एक फंदा सीधा, बाकी जैसा दिख रहा है वैसे ही बुनना है। जो जाली वाला बनाया था ना हमने पत्ती वाला, उसको हमने यहाँ पे घटाना है, और बाकी जो उल्टा फंदा उल्टा बुनना है और सीधा फंदा सीधा बुनना है, ठीक है। देखिए राइट साइड आ गए हम, पहला फंदा निकाला, एक फंदा उल्टा। अब देखिए बीच में तीन फंदे बच गए हैं ना, अब क्या करना है, इसको भी इसी तरह से पलटना है, एक का दो करेंगे। अब देखिए यहाँ एक फंदा बच गया, इसको क्या करना है, इस वाले फंदे को ना जो हमने घटाया अभी, उसको हमने इसी नीडल पे लेना है, और जो ये वाला फंदा है इसको इसके ऊपर से निकालेंगे। देखिए एक हो गया हमारा, ठीक है। आगे का एक फंदा उल्टा, ये देखिए इस तरह से बनेगा हमारा डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पे तीन फंदा उल्टा, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ जाली डाली थी, पहला फंदा बुनना है, अब दूसरा फंदा भी बुनना है, जाली ना अंदर को डालना है, ठीक है। तो यहाँ बार बार जाली इसी पर ही आएगी, ठीक है, तो यहीं पे डालना है। देखिए अब यहाँ जाली बुनाएंगे हमने ना, इसको ना जाली को अंदर को लाना है, बाहर को नहीं ले जाना है, ठीक है। बाकी का आगे का फंदा सीधा बनाएंगे,
ये देखिए, अब हमने यहाँ पे देखिए जो जाली वाला लगा हुआ है ना, ये वाला, अब इसी के ऊपर जाली निकालेंगे। इसको हमने अंदर को लाना है, इसको भी हमने अंदर को लाना है, ठीक है, जाली को। तो इस तरह से निकालना है इसको, ये देखिए। और लास्ट के दो फंदे सीधे बनाएंगे। अब बाकी जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है, यहाँ पे हमने वैसे ही घटाना है जैसे हमने यहाँ पे घटाया था, ठीक है। देखिए राइट साइड आ गए हम, पहला फंदा तो उतारा, एक फंदा उल्टा। अब देखिए हमारा डिज़ाइन तो लग गया था, ठीक है। अब हमने इसको घटाना भी है, किस तरह से घटाएंगे, एक दो, दो का एक करेंगे। ये जो बीच में है ना पत्ती लगी, उसको हमने सीधा ही बुनना है, क्योंकि दोबारा पैटर्न शुरू हो जाएगा। अब जैसा हमने यहाँ किया था ना वैसे ही करना है, ठीक है। फिर धागा अपनी साइड, एक का दो करेंगे, आगे का फंदा उल्टा बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे हो गए। देखा, दोबारा से हमने आठ फंदे से इसको स्टार्ट किया था और यहाँ पे भी आठ ही हो गए। अब देखिए यहाँ पे अब हम ना दोबारा से पैटर्न शुरू करना है जैसे बनाया था। ये वाला डिज़ाइन तो हमारा लग गया, अब इसके ऊपर भी इसी तरह से कंटिन्यू करना है। देखिए इतना मैंने बना दिया, और ये देखिए चार बार निकाला हमने जाली, एक दो तीन चार, और यहाँ निकाला है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, साइड का फंदा, तो साइड का जो ये था ना आठ फंदे, इसको तो इसी तरह से कंटिन्यू किया है, ठीक है। अब देखिए एक फंदा सीधा बनाना है, आठ फंदे ये बनाने के बाद एक फंदा सीधा बनाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से एक दो, दो बार धागा को लपेटना है एक ही फंदे पे, ठीक है। फिर उसको बुनना है, एक दो, इस तरह से दो बार लपेटना है और बुनना है, ठीक है। राइट साइड है ये, इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है, इस तरह से लपेटते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए राइट साइड कंप्लीट हो गई, लेफ्ट साइड देखिए, जो ये एक फंदा सीधा है उसको तो सीधा ही बनाना है, ठीक है। अब देखिए डबल करके बनाया था, क्या करना है, एक इस तरह से खोलना है इसको, दो तीन, फिर इस वाले नीडल्स पे लेना है धागा, आगे इन तीनों को पकड़ना है इस तरह से, एक धागा अपनी ओर, फिर तीन, ये देखिए एक का तीन करेंगे, एक दो तीन फंदा उतारेंगे, फिर इस तरह से ढालना है आपने, फिर एक, इस फंदे को उतारना नहीं है, तीनों में एक साथ डालेंगे और एक का तीन, ये देखिए एक दो तीन फंदा उतारना है, इस तरह से डालना है, एक फंदा बुना, अब एक का तीन करेंगे, ये देखिए इस तरह से हमने पूरा फंदा बुनना है, ठीक है। देखिए उल्टी साइड हमारी कंप्लीट हो गई, ये देखिए इस तरह से इसका डिज़ाइन लग गया। थोड़ा बुनेंगे ना उसके बाद दिखेगा, ठीक है। ये देखिए पूरा दिखाती हूँ मैं आपको, नीचे से साइड में एक पत्ती निकाली है मैंने, बीच में इस तरह से डिज़ाइन डाला है और बाकी इस तरह से जाली डाली। अगर आप ये डिज़ाइन नहीं निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से देखिए सिंपल बना सकते हैं, उल्टा उल्टा, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल टोपी ये वाली, अगर आप डिज़ाइन नहीं निकालना चाहते हैं। और अगर आप ये वाले डिज़ाइन निकालना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो यहाँ पर लगा सकते हैं हम, आपके साथ शेयर करूँगी एक अलग सा पैटर्न बना के। तो इसमें थोड़ा सिखाना मुश्किल होता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। तो देखिए बीच का डिज़ाइन हम सेकंड पार्ट में लगाएंगे, तो एक दो दिन में सेकंड पार्ट भी आएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबाएँ, ताकि आपको आने वाली हर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।